एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम फिर आपसे मिलने आ गए। मैं बीबी सोलूशनोलॉजिस्ट आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। लास्ट वीक मैंने अपना इंट्रोडक्शन का वीडियो लॉन्च किया था, काफी लोगों ने पसंद किया है। इसी तरह आप लोग का मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगी। अभी फिलहाल आज क्या हम करने वाले हैं, हेल्थ के लिए। चलिए अपनी कॉपी और कलम उठा लीजिए और उपाय लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पहला उपाय, अगर किसी व्यक्ति को लगातार फीवर आ रहा हो, डॉक्टर की मेडिसिन तो देनी ही है, लेकिन साथ साथ में ये आप उपाय कीजिए। एक कटोरी में दही ले लीजिए और दही में 20-25 मूंग के दाने डाल दीजिए, और जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति को वो कटोरी दिखानी है और लगातार उसको एक टब 1 से 1.5 मिनट देखने के लिए कहना है। फिर वो कटोरी आपको लेके जाके किसी शिव मंदिर में शिवपिंडी पे डाल देनी है। लेकिन अभी फिलहाल लॉकडाउन का पीरियड चालू है, कहीं कहीं मंदिर खुले नहीं है, तो ऐसे में क्या करोगे आप, वो दही की कटोरी आपको पीपल के झाड़ के नीचे रखानी है। ये हो गया आपका पहला उपाय। अभी हम जाएंगे दूसरे उपाय की तरफ। अगर किसी व्यक्ति को बीपी का प्रॉब्लम है या हृदय की शिकायत है, हृदय नहीं हार्ट का प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति को क्या करना है, आदित्य हृदय स्त्रोत्र या सूर्य कवच दोनों में से एक पाठ करने के लिए कहना है। और रात के समय तांबे के बर्तन में, तांबे का बर्तन इतना बड़ा होगा, उसमें 4-5 रुद्राक्ष डाल देने हैं और रात में वैसे ही आपको उसमें डाल के रखना है। सुबह आपको क्या करना है, रुद्राक्ष सहित वो तांबे का बर्तन उसके साथ ही पानी गर्म कर लेना है और उसमें उबाली आने के बाद 5 से 10 मिनट आप बॉइल कर लीजिए। उसके बाद वो पानी गुनगुना हो जाए, जिस व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है गुनगुना पानी उस व्यक्ति को पिलाना है। ये आपको कितने दिन करना है, 41 डेज। आप खुद लोगों को देखोगे कि उसमें काफी उसके हार्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो गई हैं। चलिए हम तीसरे उपाय की तरफ जाते हैं। तीसरा उपाय है बीपी के लिए। जिस व्यक्ति को बीपी का प्रॉब्लम हो तो इस व्यक्ति को क्या करना है, रविवार के दिन उपवास करना है। उपवास जब आप रात को छोड़ोगे उसमें नमक बिल्कुल नहीं लेना है। इस तरह आप खुद नोटिस करोगे कि थोड़े थोड़े दिन करके जैसे आप उपाय कर रहे हो आपका बीपी कंट्रोल में काफी आ चुका है। अभी हम चलेंगे चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय है आपके लिए डायबिटीज के लिए। आजकल डायबिटीज बीमारी हर एक घरों में देखा गया है, डायबिटीज की तकलीफ तो हो ही रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक सिंपल उपाय बता रही हूँ, इसमें आपका ज्यादा खर्चा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको नीम के पत्ते लेने हैं, 11 नीम के पत्ते ऐसे हाथों में लेकर मुट्ठी में, उस मुट्ठी को देखना है और 108 बार मैं आपको जो मंत्र बता रही हूँ वो मंत्र आपको बोलना है। मंत्र है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो कंटिन्यू आपको देखते हुए उस पे मंत्र आप करोगे, फिर उस पत्तियों को आपने पीस लेना है। जिस व्यक्ति को डायबिटीज की तकलीफ है वो पत्तियां पीस कर उसका जूस बनाकर दिन में 2 बार, ये उपचार आपको कितने बार करना है, दिन में 2 बार उस व्यक्ति को दे देना है। ये आपको 41 डेज करना है। 41 डेज के बाद आप जब शुगर टेस्ट करोगे उसका रिजल्ट आपको उसके सामने ही मिलेगा। अभी हम नेक्स्ट उपाय की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट उपाय है संधिवात के लिए। संधिवात यानी अर्थराइटिस। अर्थराइटिस की भी काफी समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ज्यादा करके ये जिनकी उम्र हो चुकी है 55-60 क्रॉस होने वाली है उन्हें ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन आजकल माहौल तो ऐसा हो गया है कि यंग लोगों को भी इसका प्रॉब्लम होने लग गया है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, चलिए वो भी मैं उपाय आपको बता देती हूँ। आपको 2 पैकेट बनाने हैं, एक पैकेट में काले तिल होंगे और एक पैकेट में होगी शुगर। वो दोनों पैकेट आपको हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में रख देना है, लेकिन मूर्ति को आप कदापि हाथ नहीं लगाओगे, सिर्फ उनके चरणों में रखना है और आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, हनुमान जी से, कि भगवान जो मुझे बीमारी है यानी संधिवात है वो कम हो जाए। फिर आपको पीछे पलट कर बिल्कुल नहीं देखना है, वैसे ही आपको घर आ जाना है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों सबको? तो ये सब छोटे छोटे जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो अपनी जिंदगी में उसको लेकर आइए और काफी आपको इससे फायदा होगा। चलिए मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ। जिस तरह आपने मुझे सपोर्ट किया है इस वीडियो में भी सपोर्ट कीजिएगा। उसके पहले क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।